नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आ चुकी हूँ। दोबारा से बता दूँ, पंजाब में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। एक नोटिस पहले आया था विधानसभा का, एक अब आया है। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। मैं आपको बताऊंगी कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, आपके लिए अलग वैकेंसीज यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। ग्रेजुएशन के लिए अलग, ट्वेल्थ पास के लिए अलग, टेंथ पास के लिए अलग है, एट्थ पास के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, और फिफ्थ पास के लिए भी। डिटेल्स में बताऊंगी मैं, 18 से 37 साल एज लिमिट रहेगी, प्लस एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। डिटेल्स में बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर दबाना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अक्सर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक वैकेंसी के अलावा और वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आपने जिस इनवेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, वो ध्यान से सुन लेना, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको इससे अच्छा मौका दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। ठीक है, बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग इनवेल, अलग फीस आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने जो इनवेल्प भेजा है उसको पहुंचने में देरी हो जाती है, उसके लिए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो जल्दी से भेज देना। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपके करना है। ठीक है, इनका जो एग्ज़ाम होगा वो भी अपनी ऑफिशियल साइट पे ही अपडेट कर देंगे। पहले मैं आपको वैकेंसीज बता देती हूँ, अलग अलग वैकेंसीज को यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 22 मार्च 2019 लास्ट डेट है, 22 मार्च 2019 तक आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अच्छे से बताऊंगी, पहले मैं आपको वैकेंसीज बता देती हूँ। फर्स्ट जो वैकेंसी है, देखिए, सिस्टम एनालिस्ट की है, जहाँ पे आपकी 39,100 सैलरी होगी, प्लस 5400 ग्रेड पे रहेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, फर्स्ट क्लास से, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और टेंथ आपकी पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास आउट होनी ज़रूरी है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे 34,800 सैलरी होगी, प्लस 4400 ग्रेड पे होगा। यहाँ पे भी इन्होंने सेम क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। क्लर्क के लिए यहाँ पे सेम सैलरी 34,800 प्लस 3200 ग्रेड पे रहेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। शर्त ये है, आपकी टेंथ पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास आउट होनी ज़रूरी है, और इंग्लिश और पंजाबी की अगर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की है, उसी के अकॉर्डिंगली देखिए आपको अप्लाई करना है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 34,800 सैलरी प्लस 3200 ग्रेड पे रहेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। सेम यहाँ भी पंजाबी एंड इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट की। उसके बाद डेटा एंट्री के लिए यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन है जो इन्होंने मांगी हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन, सेम एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी मांगी हुई है। ठीक है, उसके बाद जूनियर अनुवादक की वैकेंसी है 34,800 सैलरी प्लस 3600 ग्रेड पे। इसके लिए अगर आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। प्लस टेंथ आपकी पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास आउट होनी ज़रूरी है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया हुआ है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है कॉपी होल्डर की है, 34,800 सैलरी प्लस 3200 ग्रेड पे रहेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आप कॉपी होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए, वॉच एंड वॉट सहायक की 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। अगर आपने ट्वेल्थ पास हो, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। टेंथ अगर आपने पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास आउट की है, आप एलिजिबल हो, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर इसमें कोई एक्स सर्विस मैन अप्लाई कर रहे हैं, उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी 8वीं पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद सेवादार के लिए यहाँ पे 8th पास मांगी है, सफाई सेवक के लिए 5वीं पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, इसके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली है, इसके लिए इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ, टीचिंग में हो, इंडस्ट्री में हो, या रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो। ठीक है, और टेंथ आपकी पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास आउट होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पे जनरल एंड ओबीसी के लिए 200 रुपये है, अदर कैटेगरी के लिए 100 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। सारा नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है, फिर ही जॉब के लिए अप्लाई कर लेना। प्लस एज रिलैक्सेशन देखिए आपको दिया जाएगा, 18 से 37 साल मैंने आपको एज बताई ही है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा।
और अगर आपके कोई नॉन में कोई एलिजिबल है जिनको जॉब की जरूरत है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना ताकि हमारी वजह से उनका भला हो सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।